आज जा रहे हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान बाड़ा गांव, राघव पंखोली जी के साथ, छोटे से प्यारे से गाइड के साथ। तो आइए चलते हैं, यात्रा करते हैं। आप यहाँ माड़ा गाँव से हाँ, हैं हाँ, क्या नाम है आपका? राघव पंखोली। राघव पंखोली हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ क्लास में हाँ। और क्या दिखाओगे आप हमें? गणेश गुफा, ब्याज गुफा, भीमकुंड। अच्छा, सरस्वती नदी। अच्छा, चाय भी लाओगे भाई? चाय भी लाओगे? अच्छा चलो। अच्छा, आपके देवता हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? अच्छा, कौन है? माता मूर्ति। अच्छा, उस पर्वत का नाम नारायण है, इस पर्वत का नाम नारायण। अच्छा, इस पर्वत का नाम? उस उधर वाले पर्वत का नाम नारायण। नारायण, ये वाला नार है, ये नारायण पर्वत है। चलो जी भाई साहब आगे। ये हमारे गाइड हैं और बहुत बढ़िया गाइड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बता रहा। बिल्कुल जी, हम देहरादून से। देहरादून है? हाँ। हम देहरादून है ना? देहरादून से। हम देहरादून से हूँ। ये गणेश गुफा है, यहाँ पे क्या महाभारत लिखी गई थी? वेद व्यास जी कहाँ से बोल रहे थे? अच्छा, और यहाँ पे गणेश जी लिख रहे थे। बीच में ना सरस्वती जी ना बहुत खुश थी, फिर वो बहुत उछली। अच्छा, फिर वेद व्यास जी ने ना जी। अच्छा, उन्हें शराब दिया। वेद व्यास जी ने किन्हें शराब दिया? सरस्वती जी को। अच्छा, तो सरस्वती जी सरस्वती नदी दिखती है? भीमपुर से सरस्वती नदी दिखेगी। अच्छा, और भाई जी हमें गणेश गुफा दिखा रहे हैं और राघव जी। जी कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पर जो बीच में नहीं है जो पत्थर जैसा जी, वो गणेश जी हैं, उनके बगल पे पार्वती जी हैं, पार्वती जी के बगल पे ये शिव जी हैं। अच्छा, पूरा परिवार है? हाँ। ये गणेश गुफा है, ये गणेश गुफा है और गणेश गुफा की परिक्रमा करा रहे हैं भाई साहब हमें। यहाँ से ब्यास गुफा चलेंगे। तो भाई राघव भाई जी आप हमें कहाँ दिखाएंगे? अब यहाँ से ब्यास गुफा। ब्यास गुफा है, चलो जी ब्यास गुफा की यात्रा। अभी तक लाइट नहीं थी तो अब सही से दर्शन कराते हैं आपको। और ये हमारे गणपति जी हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी। ये हमारे गणेश जी हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी। फिर दोनों के बीच में ना जो नर नारायण थे ना वो पहले एक दूसरे से बात कर लिए, बीच में झगड़ा हुआ, दोनों अलग हो गए। अच्छा। तो झगड़ा क्यों हुआ होगा? झगड़ा तो मेरे को नहीं पता, पर झगड़ा हुआ फिर दोनों अलग अलग हो गए। लोग आओ तो पूरा निकालने के भाई, वो उस तरफ कौन सा मंदिर है? वो माता मूर्ति बद्रीनाथ जी की माँ। अच्छा, बद्रीनाथ जी की माता है? हाँ, माता मूर्ति। और एक श्री कृष्ण जी का घोड़ा था ना, ये है बद्रीनाथ जी की माता जी का मंदिर।
गुफा से दिखेगा। अच्छा ब्यास गुफा से दिखेगा। हाँ। श्री कृष्ण जी का घोड़ा। हाँ, श्री कृष्ण जी ना मुचकुंद गुफा के अंदर छुप गए थे। कहीं में मुचकुंद गुफा के अंदर चले। अच्छा, क्यों गए थे वहाँ? मतलब जब करेगा उस नंबर कर देगा। कल तो सोने सोने के लिए। अच्छा चलो, जैसे भी जानकारी दे रहे राघव भाई हमें, हमारा सहयोग कर रहे हैं। चलो जी, आगे की यात्रा शुरू की जाए। खाली फोटो मत लेना। ये ग्रीन टी है। ये शुगर का है बेटा। ये कौन सी जड़ है माता जी? शुगर। हां, शुगर का। इसमें क्या क्या मिला है? किसमें? इसमें इसमें मिलावट कुछ नहीं है, जड़ी है। जड़ी का जड़ी है। अच्छा, और ये पतली स्टॉक, ये पतली निकल जाती है। लो जी, विक्की भाई आपके लिए पतली की दवाई भी दे दी हमारी माता जी ने। माता जी, जब माता जी का तुम कुछ लेगा तभी तो। हाँ, तभी तो होगा। सही बात है। एक तुमने बात इस्तेमाल करते हैं इसको ना बेटा जी, ईमानदार से मैं पहले पाउडर बनाना ठीक है, आसानी में मारना ठंडा होगा, खाण करके ठंडा मत होगा। ये कुटकी है। हां, कुटकी ना। हां, ये बहुत अच्छी होती है। इसको ना दो जड़ी ने खाल करके गिलास में भिगाना है पहले इसको, ये कुटकी को। कुटकी को। अच्छा, मतलब शाम सुबह इस जड़ी को गिलाना मत। हाँ, मतलब दो तीन बार आराम से भीग जाएगा इसमें पानी। हाँ, ठीक है महाराज। कितने का माता जी? ये 20 रुपये का है, वो ग्रीन टी 10 रुपये का है। हाँ, ये भी 10 रुपये। ये जड़ी बहुत मुश्किल होती है। फुटके ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छी काम जी। लीजा बेटा, ये टोपी है। अच्छा, टोपी भी है। हाँ, ये हाथ के बनाए हुए ना आपने? ये सब हाथ के बनाए जी। बेटा जी, हाँ जी, हाँ जी। से बिक्री नहीं हुआ? अच्छा, बिक्री नहीं हुआ तो चलो हम बिक्री करेंगे थोड़ा बहुत जो हम कर पाए। ये राघव भाई हमें घुमा रहे, बहुत अच्छा बच्चा है। मेरा पोता है। पोता है? अरे वाह। मम्मी की जी 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 जी। हाँ, ये तब ले नहीं माता जी, या रौनपाई बोली जाती, गढ़वाली नहीं बोली जाती भाषा? तो गढ़वाली भाषा लगाते तभी तो हम ये कहते हैं। गढ़वाली हम जानती भी ना, अपने भाषा लगाइएगा तो ये कौन ले जाए, हमारे भाषा ले जाएगा। हाँ, ये कौन ले जाए? हमारी भाषा लगाएंगे तो मतलब हमारे भाषा के रौनपाई के। अच्छा, गढ़वाली भी जानते हैं आप लोग? तो गढ़वाली कहते हैं। हैं? हाँ, लगा रहे गढ़वाली, मतलब क्षेत्रीय भाषा है रौनपा ना। जागो बेटा, दो भाषा यहाँ, एक इनकी लोकल भाषा हुई है ना, है रखो भाई। हाँ, दो भाषा ही ना यहाँ पे। ये कितने का? एक छोटी टोपी है आपके पास? छोटा टोपी तो नहीं है। ये टोपी कितने की है? ये है 130 की। 130? ये ज़्यादा बेटा सुनिए, सब ये थोड़ी ना खाने ले लो ना बेटा, मेहनत तो लगती है। और कुछ नहीं माता जी आपके पास? जड़ी ले लूँ पंडित जी? और हाँ, ऐसे कर लो माता जी, जड़ी ले रहा हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? स्कूल से? रुद्रप्रयाग में पढ़ते हैं आप लोग हैं? कौन से स्कूल में? चिल्ड्रन अकेडमी। और जो है जेपी स्कूल है? जेपी भी है ना यहाँ पे? यहाँ नीचे है। अच्छा, यहाँ कौन सी गुफा घुमा रहे थे आप हमें? ब्यास गणेश गुफा, ब्यास गुफा और भीमपुर। अच्छा, तो भीमपुर में क्या है? भीमपुर में ना भीम जी का पत्थर है, वहाँ पर उनके पैर के निशान है और उंगली के निशान है, द्रौपदी जी के वहाँ पर बाल के निशान है। अच्छा, आप दिखाएंगे वो चिन्ह में? हैं, चलो ठीक है, फिलहाल
लालतू राघव भाई और हम सब मिलके विक्की भाई हम चाय पी रहे हैं माणा गांव में। और उसके बाद जी कैमरे में देखो उसकी पूंछ काली काली, ये देखो उसकी पूंछ काली काली और ये काली काली यहाँ पीछे गेट के यहाँ पर उनकी पूंछ है और ये उनका सिर है और ये उनका पेट है। ये देखो वो देखो सामने पे वो पीछे पे उनकी पूंछ काली और वो ऊपर पे उनका मुंह। कहाँ से कहाँ तक है राघव भाई? ये जो ये चिरनी है ये उनका सिर है, यहाँ से नीचे उनकी गर्दन गर्दन घास पर यहाँ पर उनका पेट है और ये पूछ है यहाँ पीछे पे यहाँ से देखो। चलो उसकी एक फोटो खींच लेते हैं हम और फिर घर जाके आराम से देखेंगे। बोल रहे हैं कि माँ भारत के पन्ने इस पे छपे हुए हैं, महाभारत के पन्ने है ना जी, इसमें छपे हुए इस पत्थर में। हाँ, जी जो लाइन लाइन जैसे। अच्छा जो लाइन लाइन है, पहले ना पेपर हुआ नहीं करते थे जी, पहले ना भोजपत्र में लिखते थे, भोजपत्र में लिखते थे पहले। हाँ, जी। ये रामायण है महाभारत है सब भोजपत्र में लिखते। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो ये पत्थर पे कैसे लिखे गए पत्थर? ये भी भोजपत्र है? भोजपत्र है महाराज, भोजपत्र है। अच्छा, 5329 वर्ष पहले की बात है। अच्छा जी हाँ, 5329 वर्ष पूर्व की बात है। जी हाँ, क्योंकि ये भगवान ने कहा जब कलयुग आएगा तो मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि भागवत की किताब तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है ना जी, बांग मूर्ति जी। ये तो भगवान ने कहा कि जब कलयुग आएगा तो मैं भी पत्थर के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। आपने बद्री विशाल की मूर्ति देखी अंदर? हुँ, हुँ। तो वो मूर्ति किसी कलाकार ने बनाई नहीं जी, वो स्वयं भू विष्णु का स्वरूप है जी। हरिओम। हरिओम। पंडित जी हाँ उन्हीं की कर रहा हूँ मैं जी। हरिओम। तो भ्रातृश्री ये वेद व्यास जी का प्राचीन स्वरूप है पुरानी मूर्ति जी, ये नया स्वरूप है। 1996 में जी चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने जी इस गुफा का जीर्णोद्धार अरे इस विशाल मूर्ति की स्थापना की थी जी। भगवान विष्णु व्यासाय विष्णु रूपाय, वेदों को रचने के लिए पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार व्यास का अवतार हुआ। शुक मुनि जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, 12 साल कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा, जन्म लूंगा तो माया मुझे घेर लेगी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ऐसे विरक्त महापुरुष थे सुखदेव जी और ये वल्लभाचार्य जी, ये 1545 में यहाँ पे आए थे, 500 वर्ष पहले। गौर से विचार कीजिए, 500 वर्ष पहले कोई यातायात के कोई साधन थे नहीं, कैसे आए होंगे। वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए थामा बल्ल व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परश्च राम सत्य चिरजीविना, ये आज भी अजर अजर है जी। और तो यहाँ से विद व्यास जी बोले नीचे गणेश जी लिखे, इनके लिए दूर नहीं होता, ये विष्णु के अवतार ही हैं। महाभारत के बाद जब आत्मसंतुष्टि नहीं मिली तब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं, समय ज़्यादा होने के कारण हम अन्य और स्थानों का भ्रमण आपको नहीं करा पाए। और छोटे से प्यारे से राघव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में हमारा सहयोग देने के लिए। विस्तृत रूप से अगली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, तब तक आप वीडियो का आनंद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय बद्री विशाल।